जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं गुरु घंटाल। मैं आपका सूत्रधार प्रखर श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल गुरु घंटाल में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेकर आया हूं। आपकी काफी ज्यादा मदद होगी इस वीडियो से। जिन लोगों ने ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को पढ़ रखा है वो आसानी से इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी बहुत सारी जानकारियां आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं। सबसे पहला सवाल इस वीडियो का ये है कि वेयर डिड इंडिया गेट इट्स कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल ऑर्डर ऑफ कोर्ट। इन चारों में से किस जगह पर इंडिया को सिंगल ऑर्डर ऑफ कोर्ट का कॉन्सेप्ट मिला, मतलब कहां पर जिक्र किया गया, कहां पर मेंशन गया। आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से हैं: गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, फिट्स इंडिया एक्ट 1773, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जब लाया गया तो उसमें पहली बार सिंगल ऑर्डर ऑफ कोर्ट का जिक्र किया गया था, जिसको फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया कहा जाता था। बाद में जाकर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बना 28 जनवरी 1950 को। अगला सवाल के दोस्तों, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग सही नहीं है, गलत है? पहला आर्टिकल 124 टू आर्टिकल 147 एंड पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन्फॉर्म्स अबाउट द कॉम्पोजिशन एंड द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप भारत के संविधान का पांचवा पार्ट पढ़ेंगे, आर्टिकल 124 से लेकर आर्टिकल 147 तक, फ्रॉम आर्टिकल 124 टू आर्टिकल 147 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जिक्र है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इनॉग्रेट हुई थी 28 जनवरी 1950 को। पहला फीमेल सीजीआई, जो पहली महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो कर्नाटका से है। ये सरासर इनकरेक्ट है, क्योंकि आज तक हमारे भारत में, आज तक हमारे देश में कोई भी महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनी है। पहली महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 2027 में अपॉइंट की जाएंगी। और चौथा स्टेटमेंट करेक्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो जजेस होते हैं उनको अपॉइंट करता है देश का महामहिम, देश के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, द फर्स्ट फीमेल सीजीआई वाज फ्रॉम कर्नाटका। ये इनकरेक्ट है, क्योंकि आज तक हमारे देश में कोई महिला सीजीआई नहीं हुई है, कोई महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति नहीं हुई है। नाउ आपको बताना है कि इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग अ जज इन द सुप्रीम कोर्ट इनकरेक्ट है। ही और शी शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। ही एंड शी शुड बी रिस्पेक्टेड जूरिस्ट इन द आईज ऑफ पार्लियामेंट, यहां पर पार्लियामेंट नहीं होगा, यहां पर होगा प्रेसिडेंट। तो ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, और इस सवाल का सही जवाब ये है, क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 ये करेक्ट है। ही और शी मस्ट बी अ जज इन द हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स एंड ही एंड शी शुड बी लॉयर इन द हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स। तो इसका सही जवाब है ही शुड बी अ रिस्पेक्टेड जूरिस्ट इन द आईज ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट नहीं होगा, प्रेसिडेंट होगा। अगला सवाल के दोस्तों, टेन्योर ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट गलत गया, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट गया। पहला है ऑप्शन आपका, अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन रिमेन इन ऑफिस टिल द एज ऑफ 65 ईयर्स। ये बिल्कुल करेक्ट है। हाई कोर्ट के जज 62 साल तक के लिए, 62 ईयर्स तक के लिए, और सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनका टेन्योर 65 साल तक की उम्र तक होता है। जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट गिव इज रेजिग्नेशन लेटर टू द चीफ जस्टिस, ये इनकरेक्ट है। और यही सही उत्तर है इस सवाल का कि जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अपना रेजिग्नेशन लेटर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नहीं बल्कि देश के राष्ट्रपति को देते हैं, क्योंकि देश का राष्ट्रपति उन्हें अपॉइंट करता है और देश के राष्ट्रपति को ही वो रेजिग्नेशन लेटर अपना देते हैं। तो ये इनकरेक्ट है। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट ही कैन बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट, आपको पता है स्पेशल मेजोरिटी से इनको हटाया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, और ऑप्शन नंबर डी भी आपका करेक्ट गया कि सुप्रीम कोर्ट के जज को मिसकंडक्ट के बेसिस पर रिमूव किया जा सकता है। दो ही बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर या मिसकंडक्ट एंड इनकैपेसिटी। अगला सवाल के दोस्तों, इनमें से कौन सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा सकता है,
अभी मैंने आपको बताया, अभी हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में बात किया कि स्पेशल मेजोरिटी पार्लियामेंट से रेजोल्यूशन पास होगा, प्रेसिडेंट सिग्नेचर करेगा और सुप्रीम कोर्ट के जज को इम्पीच कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। तो इसका सही उत्तर है बोथ पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट, ये दोनों मिलकर सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा सकते हैं। बड़ा लंबा प्रोसेस है, इसीलिए हमारे देश में आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को इम्पीच किया गया हो। हाँ, इम्पीचमेंट मोशन लाया गया है वी रामास्वामी के लिए 1991 में, और हाई कोर्ट में सौमित्र सेन के खिलाफ लाया गया था कलकत्ता हाई कोर्ट में, मगर आज तक हमारे देश में किसी भी जज को इम्पीच नहीं किया गया, क्योंकि प्रोसेस बहुत लंबा है। नेक्स्ट, इस वक्त हमारे देश के सीजेआई की सैलरी कितनी है, जो कि एनवी रमना है, 48 चीफ जस्टिस है। याद रखिएगा, एनवी रमना हमारे देश के इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, और ये 48 चीफ जस्टिस है। सीजेआई की सैलरी इस वक्त है 2.8 लाख पर मंथ, और सुप्रीम कोर्ट के जजों की सैलरी कितनी होती है, 2.5 लाख रुपए पर मंथ, और इतनी ही सैलरी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की होती है। जो हाई कोर्ट के रिमेनिंग जज होते हैं उनकी सैलरी होती है 2.25 लाख पर मंथ। तो याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के जजों की और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सैलरी इक्वल होती है 2.5 लाख रुपए, सीजेआई की सैलरी है 2,80,000, और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी सैलरी होती है 2,25,000। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है। अगला सवाल आपसे ये है कि द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर अ जज एन एग्जीक्यूटिव चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया व्हेन, किस केस में सुप्रीम कोर्ट के जज को जो प्रेसिडेंट होता है वो एग्जीक्यूटिव सीजेआई डिक्लेयर कर सकता है। आपके पास चार ऑप्शन हैं, अगर चीफ जस्टिस का पोस्ट वेकेंट हो, खाली हो, अगर चीफ जस्टिस टेम्पररली एबसेंट हो, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अनेबल टू डिस्चार्ज हिज ऑब्लिगेशन, जो उसका ऑब्लिगेशन है वो उसको पूरा नहीं कर पा रहा है, या चारों केसेस में, मतलब ऑल द अबव। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, ऑल ऑफ द अबव केस में जो प्रेसिडेंट होता है वो सुप्रीम कोर्ट के जज को एग्जीक्यूटिव सीजेआई ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर सकता है। अगला सवाल, इनमें से किसके पास वो अधिकार होता है, कैसा अधिकार, टू एस्टैब्लिश द बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एल्सवेयर इन द कंट्री। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट की बेंच दिल्ली में है, लेकिन दिल्ली के अलावा भारत के किसी भी इलाके में अगर सुप्रीम कोर्ट की बेंच बिठानी हो तो किसके पास वो अधिकार होता है कि वो उसको एस्टैब्लिश कर सकता है। आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है, सीजेआई ऑफ इंडिया, देश का राष्ट्रपति, देश की पार्लियामेंट, या देश का प्रधानमंत्री। इसका सही उत्तर है दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार होता है कि वो सुप्रीम कोर्ट की बेंच को हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में एस्टैब्लिश कर सकता है, मगर उसके लिए पहले उसको परमिशन लेनी पड़ती है देश के राष्ट्रपति की, देश के महामहिम की। अगला सवाल के दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल स्टेट्स अबाउट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये आप लोगों ने अभी पढ़ा, आर्टिकल 124 पार्ट 5, आर्टिकल 124 से लेकर आर्टिकल 147 बात करता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में, जिसमें कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 के अंडर आता है। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। ये सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल है। आर्टिकल 139 ये करेक्ट है। आर्टिकल 139 कहता है पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू इशू रिट पिटीशन। आर्टिकल 141 भी बिल्कुल करेक्ट है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हिंदुस्तान के हर कोर्ट पर एप्लीकेबल होगा। आर्टिकल 143 एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, कि राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर सकता है, मगर सैलरी ऑफ जजेस ये इनकरेक्ट है। ये आर्टिकल 125 के अंदर आता है, ना कि आर्टिकल 145 के अंदर, तो ये इनकरेक्ट है। पहली महिला जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इनमें से कौन थी, फातिमा बीवी, रूमा पाल, इंदु मल्होत्रा या अन्ना चंडी। इसका सही उत्तर है दोस्तों, फातिमा बीवी, केरला हाई कोर्ट से, और ये सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज बनाई गई थी, फातिमा बीवी।
अगला सवाल है, इनमें से सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग फीमेल जज कौन रही है सुप्रीम कोर्ट की? आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं, फातिमा बीवी, रुमा पॉल, इंदु मल्होत्रा या अन्ना चंडी। इसका सही उत्तर है दोस्तों, कलकत्ता हाई कोर्ट में जज रह चुकी रुमा पॉल को सुप्रीम कोर्ट का जब जज बनाया गया था, तो ये आज तक की सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग जज रही है सुप्रीम कोर्ट में, रुमा पॉल, कलकत्ता हाई कोर्ट। अगला सवाल के दोस्तों, इनमें से वो कौन सी पहली महिला जज है जिनको डायरेक्टली एलिवेट किया गया था बार काउंसिल ऑफ इंडिया से, मतलब सीधे बार काउंसिल ऑफ इंडिया से इन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जज बना दिया गया था। आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं, फातिमा बीवी, रूमा पॉल, इंदु मल्होत्रा या अन्ना चंडी। इसका सही उत्तर है दोस्तों, इंदु मल्होत्रा। इंदु मल्होत्रा पहली महिला जज थी जिनको डायरेक्टली एलिवेटेड कर दिया गया था फ्रॉम द बार काउंसिल ऑफ इंडिया टू द सुप्रीम कोर्ट जज, इंदु मल्होत्रा। अगला सवाल के दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इनॉग्रेट कब हुआ? दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इनॉग्रेट हुआ 28 जनवरी 1950 को, 28th ऑफ जनवरी 1950 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज इनॉग्रेटेड। नेक्स्ट आपको बताना है इन चारों में से कौन सा क्राइटेरिया नहीं है फॉर बीइंग एलिजिबल टू बी अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए इनमें से कौन सा क्राइटेरिया एलिजिबल नहीं है? आपके पास चार ऑप्शन है, जज ऑफ वन हाई कोर्ट और मोर फॉर एटलीस्ट 5 ईयर, ये बिल्कुल करेक्ट है, एंड एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर एटलीस्ट 10 ईयर, ये भी करेक्ट है, अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी करेक्ट है, लेकिन अबव 40 ईयर्स ऑफ एज ये इनकरेक्ट है क्योंकि उम्र का जिक्र कहीं नहीं है, तो ये इनकरेक्ट। अगला सवाल है, इनमें से किसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किया जा सकता है या किया जाता है? आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं, द प्रेसिडेंट अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑन हिज सोल डिस्क्रिशन, ये इनकरेक्ट है, द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होता है उसी को सुप्रीम कोर्ट का CJI बनाया जाता है। अ पैनल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इलेक्ट अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फ्रॉम अमंग देमसेल्फ, ये इनकरेक्ट है और ये भी इनकरेक्ट है। इसका सही उत्तर है कि जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होता है उसी को सुप्रीम कोर्ट का CJI अपॉइंट किया जाता है, जो कि इस वक्त NV रमना है, 48वें चीफ जस्टिस। अब दोस्तों यहां पर चार स्टेटमेंट दी है, आपको बताना है सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। पहला, द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मे बी रिमूव्ड फ्रॉम दिस करंट ऑफिस बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, ये बिल्कुल करेक्ट है, अभी हम लोगों ने ऊपर के सवालों में डिस्कस किया है। देयर आर ओनली 2 grounds ऑफ रिमूवल, इन कैपेसिटी और प्रूव मिसबिहेवियर, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया। सो फार नो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन रिमूव्ड बाय द इंपीचमेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि वी रामास्वामी के खिलाफ मोशन लाया गया था जो कि पास नहीं हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट के पहले जज थे जिनके खिलाफ ये मोशन लाया गया था, और सौमित्र सेन ये हाई कोर्ट के जज थे जिनके खिलाफ राज्यसभा में इंपीचमेंट मोशन लाया गया था, लेकिन आज तक किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को नहीं हटाया गया है। किस बेसिस पर? इंपीचमेंट के बेसिस पर। एंड द प्रोसीजर फॉर द रिमूवल ऑफ द जजेस इज रेगुलेटेड बाई द जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, ये बिल्कुल करेक्ट है, तो चारों के चारों स्टेटमेंट करेक्ट है। याद रखिएगा, जजों को हटाने का जो प्रोसीजर होता है उसका जिक्र है जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ट्रू नहीं है। सुप्रीम कोर्ट्स कैन इशू रिट दैट रिलेट विद ओनली फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन, ये बिल्कुल करेक्ट है कि फंडामेंटल राइट अगर किसी का ब्रीच होता है तो उसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा सकता है, सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू करेगी। हाई कोर्ट्स कैन इशू रिट्स ऑन इशू दैट रिलेट विद फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन एज वेल एज फॉर अदर रीजंस, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है कि
हाई कोर्ट की रिट्स इशू करने की जो पावर होती है वो सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा ब्रॉड होती है, सुप्रीम कोर्ट की जो रिट्स इशू करने की पावर होती है वो नैरो होती है। सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू कर सकता है सिर्फ और सिर्फ तब जब फंडामेंटल राइट्स ब्रीच होती है, वो अंडर आर्टिकल 32, आप लोगों को वो पांच रिट्स पता होंगे, मैंडमस, हैबियस कॉर्पस, प्रोहिबिशन, सर्शियोरी एंड क्यो वारंटो। लेकिन हाई कोर्ट्स इन पांचों रिट्स के अलावा भी और किसी रीजन के लिए भी रिट्स इशू कर सकता है एज पर नेसेसिटीज। द ज्यूरिसडिक्शन विद रिगार्ड टू रिट्स इज वाइडर फॉर द हाई कोर्ट एज कंपेयर टू दैट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये मैंने अभी आप लोगों को बताया। और एक बात और कि सुप्रीम कोर्ट की जो रिट्स ज्यूरिसडिक्शन की पावर होती है उसको पार्लियामेंट एक्सटेंड कर सकती है, बढ़ा सकती है, मगर घटा नहीं सकती है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका सही उत्तर है चारों के चारों स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑल आर ट्रू। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है? दोस्तों जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है इट इज द अथॉरिटी वेस्टेड इन द हैंड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू एग्जामिन वेदर सम लेजिस्लेटिव इनएक्टमेंट और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इज फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और नॉट। देखिए दोस्तों एक सिंपल सा लॉजिक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को गार्डियन कहा जाता है किसका? भारत के संविधान का। अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार, या मान लीजिए कि कोई ऐसा कानून पास होता है पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में जो देश के संविधान के नियमों का उल्लंघन करता है, या मान लीजिए कि जो देश के संविधान को फॉलो नहीं करता है, उस कानून को, उस ऑर्डर को एग्जामिन करना यही जुडिशियल रिव्यू कहलाता है अंडर आर्टिकल 137 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगला सवाल जो कि आप लोगों को जवाब मिल गया, ये बहुत इजी सा सवाल है कि हिंदुस्तान के पहले सीजीआई कौन रहे हैं? एच.जे. कानिया, ये हमारे देश के पहले सीजीआई रहे हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इनमें से नंबर ऑफ जजेस, जैसा कि 34 जज हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट में, जब हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट नया नया बना था 28 जनवरी 1950, उस वक्त हमारे देश में सीजीआई थे एच.जे. कानिया, इसके अलावा 7 जज और थे। अब जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ी, उसके बाद नंबर ऑफ केसेस बढ़ने लगे, तो अब सुप्रीम कोर्ट में टोटल 34 जजेस हैं। इन 34 जजेस में एक सीजेआई है जो कि एनवी रमना है, ठीक है, और इसके अलावा 33 जजेस और गए। और पहली बार भारत के इतिहास में एक वक्त में इन 33 जजों में 4 जजेस महिला हैं, 4 वुमेन जजेस हैं, और इन्हीं में से एक जाकर आगे 2027 में क्या बनेंगी? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की सीजीआई बनेंगी। तो आपको बताना है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजेस होते हैं, इनके नंबर्स को बढ़ाने का काम कौन करता है? कौन डिटरमाइन करता है कि भाई नंबर ऑफ जजेस अब बढ़ने चाहिए? इसका सही उत्तर है दोस्तों द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, द लॉज मेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, वक्त के साथ साथ जो देश की संसद है वो कानून बनाती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजेस के नंबर को बढ़ाने के लिए। कल को ये जजेस के नंबर और बढ़ेंगे। आखिरी सवाल, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन हुम डज द प्रेसिडेंट कंसल्ट व्हाइल अपॉइंटिंग जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कि संविधान के अकॉर्डिंग देश का राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने से पहले किसको कंसल्ट करता है? देखिए दोस्तों आप लोगों को पता है कि सीजीआई को भी अपॉइंट करता है देश का राष्ट्रपति, शपथ दिलाता है देश का राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी अपॉइंट करता है देश का राष्ट्रपति, शपथ दिलाता है राष्ट्रपति, मगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने के पहले जो देश का राष्ट्रपति होता है वो कंसल्ट करता है अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट ही डीम्स नेसेसरी, तभी जाकर वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करता है। क्योंकि देखिए जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होगा वो सीजीआई बन जाएगा जिसकी अपॉइंटमेंट करेगा देश का राष्ट्रपति, मगर सुप्रीम कोर्ट के जो रिमेनिंग अदर जजेस हैं उनको अपॉइंट करने से पहले देश का राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेस और हाई कोर्ट के जजों से क्या करता है? सलाह मशवरा करता है, कंसल्ट करता है। तो उम्मीद है ये जो 21 के 21 सवाल है आप लोगों को काफी ज्ञानवर्धक लगे होंगे। अपना प्यार दीजिए गुरु घंटाल को, वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए।
इस फैमिली को बड़ा बनाइए. विश यू ऑल अ वेरी गुड लक. अगर किसी को किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर सबमिट कीजिए.